बच्चों गुड मॉर्निंग। कमरा पे आपने देखिए, आपको निम्न प्रश्नों को याद करना है। जैसे प्रश्न नंबर एक में दहेज प्रथा एक अभिशाप पर एक अनुच्छेद लिखिए। प्रश्न नंबर दो में निम्न प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए अथवा लिखिए। नंबर एक, समूह संचार का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर दो, जनसंचार से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर तीन, अंतर वैयक्तिक संचार किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर चार, सांकेतिक संचार से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर पाँच, संचार का महत्व दो बिंदुओं में समझाइए। प्रश्न नंबर तीन में निम्न प्रश्नों का उत्तर लिखिए अथवा याद कीजिए। जैसे प्रश्न नंबर एक, तर्क और भ्रम में क्या अंतर है। प्रश्न नंबर दो, लता मंगेशकर से पहले की लोकप्रिय गायिका का नाम क्या था। प्रश्न नंबर तीन, लता के स्वरों के प्रमुख तत्व क्या हैं। प्रश्न नंबर चार, गानपन का क्या अर्थ है। प्रश्न नंबर पाँच, कवि कोकिला नाम किसको देना चाहता है। प्रश्न नंबर चार में निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार क्या है, विभाग क्या है और कैसे बनता है। प्रश्न नंबर तीन, ऊपरी आय क्या है। होमवर्क में प्रश्न नंबर एक से प्रश्न नंबर चार तक याद करना। दैट्स ऑल।